नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य, लालच से दूर निश्चिंत होकर वह अपना अधिकतर समय ईश्वर की भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की समझते थे। उन्हीं के नाम पर वह सबकी देखभाल करते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता था जैसे यह सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हैं। अम्बरीश की ऐसी विरक्ति तथा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया और खूब दान दिया। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे तो अचानक महर्षि दुर्वासा आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा वहाँ से चले गए। वहाँ स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। अम्बरीश दोनों स्थितियों में परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा अभी नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा आ पहुँचे। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में आकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं, वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर तो किसी की नहीं सुनते थे। अपनी जटा से एक बाल उखाड़ कर जमीन पर पटक कर कहा, लो मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो, इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरअपराध कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। चमक कर चकरा कर घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मारा। फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा घबरा कर भागे, पर चक्र उनके पीछे लग गया। चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे और चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, दुर्वासा मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा भगवान शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा सुनकर भगवान शिव को हंसी आ गई और वे बोले, दुर्वासा तुम सबको ही श्राप देते रहते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो, मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह विष्णु का चक्र है, इसलिए अच्छा है कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुँचे, चक्र भी उनके पीछे पीछे आ गया। दुर्वासा ने भगवान विष्णु से अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, हे दुर्वासा
तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की है वह सब क्रोध तथा श्राप देने में नष्ट करते रहे। छोटी सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और अम्बरीश के पास पहुँचे। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिदेव मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए बैठा हूँ, केवल वही जल पिया है। आप कहाँ चले गए थे। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के ऐसा कहते ही चक्र अंतर्ध्यान हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।